कितना सुंदर दृश्य है। कभी भगवान कृष्ण जो है गोकुल में जो है खेलते होंगे, इसी तरह गायों के बीच में खेलते रहे होंगे। हम लोग उस समय तो नहीं थे, लेकिन इस समय मैं कल्पना करता हूँ वो माता यशोदा जो है परेशान रहा करती थी और अपनी टोली के साथ, तो मैं कल्पना कर रहा था प्राकृतिक रूप से दिखाऊं कि इतनी गायें एक साथ जो है शहरों में देखने को मिलती भी नहीं दिखी। दूर दूर तक जहाँ देख रहे हैं देखिए साथ में, देखिए हरियाली है ना, तो चारों तरफ जो है गाय। मनोदशा पशुओं की भी होती है, ये बात अलग की है कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, हम लोग जानवरों पर दया नहीं करते हैं। ये देखिए ये अलग दुनिया है, देखिए ये देखिए ये देखिए, बीच बीच में देखिए भैंस भी है, ये पूरी कैटल कॉलोनी है पशुओं की। ये देखिए और कहीं इतने पशु एक साथ मिल में, देखिए दूर दूर तक जहाँ भी देख रहे हैं ये है कैटल कॉलोनी, यहाँ जो है पशु ही पशु हैं। शहर से दूर है ये गोमती नदी देख रहे होंगे, ये गोमती नदी है, ये देखिए तो कैटल कॉलोनी है। ये देखिए इस सब चीज़ें यूट्यूब पर कोई दिखाता नहीं है, ना ही कोई देखना चाहता है, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि बजाय टीआरपी के ऐसी चीज़ें भी दिखते रहनी चाहिए। ये देखिए देखिए कितने शांत भाव से बैठी है गाय, भगवान कृष्ण का गोकुल ऐसे ही रहा होगा। देखिए जब झांकी वगैरह जन्माष्टमी होती है तो इन गाय वगैरह को भी स्थान दिया जाता है, और हमारे हिंदू धर्म में तो गाय को माता कहा जाता है, माता का स्थान दिया जाता है। देखिए ये देखिए पूजा करते हैं हम गायों की, हमारी संस्कृति जो है ना, जो है संस्कृति में जो है गाय को एक विशेष स्थान दिया जाता है, माता का स्थान, और वर्ल्ड में किसी भी संस्कृति में ऐसा नहीं है जो गाय को माता का स्थान दिया। हमारी संस्कृति विश्व में अनोखी है। साथियों आज गाय माता का जो है वर्णन आपको दिखाया है मैंने, कि ये सब चीज़ों को भी YouTube में आना चाहिए प्राकृतिक रूप से। मैं जाकर बनाता हूँ, वो स्टूडियो में बैठ के चीज़ को मैं पर्दे से नहीं करता हूँ, सब जाके लाइव करता हूँ। साथ ही थोड़ी मेहनत पड़ती है लेकिन आत्मा संतुष्ट रहती है।